नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं पुलिस कमिश्नर ऑफिस सेक्टर 21 सी में, और हमारे सामने एक महिला हैं जिनका नाम आशा देवी है, बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी की रहने वाली हैं। इनके पति की मौत करीब 3 महीना पहले हुई थी। इनका आरोप है इनके पति की हत्या की गई, इनको भी फंसाने का प्रयास किया गया, और इनकी जो ननदे हैं इनके मकान पर कब्जा करना चाहती हैं। जो भी इनके आरोप हैं ये खुद बताएंगी, और ये पुलिस कमिश्नर ऑफिस में किस लिए आई हैं ये भी बताएंगी। तो आपने नाम बताया आशा देवी, अपना नाम बताया, क्या शिकायत है बताइए। जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 4 ननदें, मेरे पति को मार दिया है। और मैं, कब हुई पति की मौत? मेरे पति की मौत हुई थी 28 तारीख को, 9वां महीना। अच्छा, पति की मौत आपकी 28 नवंबर को हुई थी। हाँ जी। तो आपका ये आरोप है कि आपकी नंदो ने ही उनकी हत्या? हाँ कर दी, मेरी नंदो नहीं, ने मारा। किस आधार पे आप ये कह सकती हैं? जी, मकान से मांग रही कि मकान में तो लेकर मेरा है। अच्छा, मकान में हिस्सा मांग रही है। मकान से हिस्सा। कितने गज का मकान है? 50 गज का मकान है। कहाँ पर है? सुभाष कॉलोनी लाल कोठी हरिबिहार। तो सीपी ऑफिस में आई है, क्यों यहाँ पर क्यों आई है? मेरी कानून कार्रवाई हो गई, मेरी जान मान को खतरा है। कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ पर? नहीं हो रही जी, पुलिस कार्रवाई नहीं। कौन से थाने में शिकायत दी है आपने? कौन से थाने में? आदेश नगर। आदर्श नगर थाने में शिकायत दी, कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही जी, देवदत्त शर्मा जी फटकार मारते हैं। अच्छा, आदर्श नगर थाने में आपने शिकायत दी है, कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए आप सीपी ऑफिस में आए हो? हाँ जी, हमारी कानून का क्या मांग है सीपी साहब से? कानून कार्रवाई हो, मैं कानूनी कार्रवाई चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पर आए हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जान मान को खतरा है। अच्छा ठीक है, नमस्कार।